समुद्र के पार एक विशाल राक्षस के लिए अथक शिकार में एक युवा साहसी के साथ प्रसिद्ध नाविक टीमों के प्रमुख पुनर्कथन में आपका स्वागत है। आज हम 2022 से समुद्री जानवर की कहानी को फिर से शुरू करेंगे। मैसी अनाथालय के कमरे में अपने दोस्तों को रात की कहानी सुनाने में से एक है। यह महान समुद्री राक्षस शिकारियों की पूरी यात्रा को याद करती है, जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जहाजों की रक्षा की, लेकिन वह कार्यवाहक द्वारा बाधित किया जा रहा है जो सभी को झूठ बोलने का आदेश देता है के रूप में सोने के लिए नीचे। यह समय बीत चुका था। मैसी बस महिला के जाने का इंतजार करती है। वह अपना साहसिक गेय प्राप्त कर सकती है और फिर एक वॉ की मदद से वार्डरोब वह खिड़की पर चढ़ने का प्रबंधन करती है और उस रात एक और यात्रा पर निकल जाती है। अगले दिन जहाज पर अपरिहार्य रूप से नाविक जेकब को सूचित किया जाता है कि जहाज के कप्तान का दावा है कि एक राक्षसी प्राणी कुछ किलोमीटर आगे देखा गया है। यह निश्चित रूप से लाल धब्बा है। राक्षस की उसकी एक आंख को चीर दिया। फिर उन्होंने जिम निकोल बोनशिप को एक अन्य ब्रिकेल बैक टाइप द्वारा बेरहमी से हमला करते हुए देखा। भले ही कप्तान लाल ब्लस्टर को पकड़ने का अवसर पास नहीं कर सका, उसने जैकब्स की सलाह का पालन किया और पाठ्यक्रम को बदलने में मदद करने के लिए निकेल को घने कोहरे के बीच जहाज में मदद करने के लिए राक्षस द्वारा वध किया जा रहा था। लेकिन जब अपरिहार्य जहाज प्रवेश करता है, युद्ध क्षेत्र यह स्वभाव की आग है जानवरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और अब उसके शिकार नाविक में जैकब से लड़ने का समय आ गया है। जहाज के किनारे पर रस्सियों से लटकते हुए कप्तान आदेश देता है और तोपों की आग लगातार कई तीरों के बाद जीव में गोता लगाने का फैसला करता है। लेकिन जैकब जल्दी से बिक्री पर चढ़ जाता है और एक प्रकार का पता लगाने वाली बोया के साथ एक हापून फेंकता है। अब वे जीत गए, लेकिन उसे अपनी साइड से बाहर न जाने दे। नाविक ने देखा कि बोया के चारों ओर कोई पक्षी नहीं उड़ रहा था और समुद्री गलफड़ों के ऊपर दिखाई दे रहे थे, जिसका अर्थ है कि जानवर पहले से ही जहाज के नीचे था। राक्षस पानी से बाहर कूदता है और जहाज की तरफ से भागते हुए पानी में क्लेश का हिस्सा भागता है। यह नाविकों को अपने जाल से पकड़ना शुरू कर देता है। कप्तान बहादुरी के साथ विरोध करने की कोशिश करता है। सारा याकूब फिर देखता है उसके चारों ओर सभी अराजकता और उसके द्वारा चलाए जा रहे अपने एक साथी की मदद करने की कोशिश करता है। या हम तंबू के हमलों को चकमा देते हैं और राक्षसों के सिर पर एक हापून फेंकते हैं जो अंत में बर्तन के रूप में जारी होता है और फिर से डूब जाता है। जब जैकब ने सोचा कि सब कुछ सही है, वह एक तंबू से एक हिंसक झटका लेता है और पानी में उड़ जाता है। जो प्राणी हर तरह से कोशिश करता है उसे निगल, लेकिन नाविक अपनी सारी शक्ति के साथ तैरता है। वह अंत में राक्षसों पर फेंका जाता है और इसके देखभाल आधार में फंस जाता है। जैकब लाभ लेता है और अपने चाकू को जानवरों में वापस फेंक देता है, जो उठता है और अपनी छाती को नाव के सामने उजागर करता है। कप्तान राक्षस पर दौड़ता है और उसकी ओर कूदता है और गोले को सही दिशा में ले जाता है, और यह महत्वपूर्ण बिंदु अंत में प्राणी को उसके सीन के हिस्से को चूमता है, एक मुकाबला ट्रॉफी के रूप में। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि प्राणी के पास कोई जीवन बचेगा और एक तंबू का उपयोग करके कप्तान को खींचता है दी अंधेरे समुद्र के तल पर, लेकिन वह अभी भी जैकब के लिए बचा है। मरने के बावजूद कप्तान निराश है और उन्हें घर वापस जाने के लिए आदेश देता है कि उसका जहाज नष्ट हो गया है और वह उसे उस राक्षस को पकड़ने से रोकेगा जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है। कप्तान याकूब को उसके कमरे में और उसकी सारी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया और कहा कि एक बार जब वह रेड ब्लस्टर को पकड़ लेता है तो उसे एक बात का यकीन होता है, वह कप्तान के रूप में अपनी यात्रा समाप्त कर देगा और जैकब उसके स्थान पर कमान संभालेगा। वह कहता है कि वह यह जानता है क्योंकि उसने जैकब को समुद्र में एक लड़के के रूप में देखा था। वह जानता था कि भाग्य ने उसे एक बेटा दिया था और वह अपरिहार्य जहाज का कप्तान होगा। घर वापस आ गया है। हर कोई सबसे ज्यादा आने का जश्न मनाता है। सबसे खराब राक्षसों के शिकार के लिए सभी का प्रसिद्ध पोत मैसी आबादी के बीच घुसपैठ कर रही है। नाविकों की वापसी के उत्सव में सभी का अनुसरण करते हुए, जबकि हर कोई गा रहा था और नृत्य कर रहा था, वह बार विंडो डिग्री जैकब प्रतीत होती है और कहती है कि वह उसके काम की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वह कहती है कि उसके माता पिता सम्माननीय शिकारी थे और महान के लिए लड़े थे। सम्राट पोत और याकूब पसंद करते हैं। लड़कियों ने बहादुर रवैया अपनाया, लेकिन वह कहना शुरू कर देती है कि वह नाथाले से भाग गई और अपनी अगली यात्रा शुरू करने जा रही है। राक्षसों का शिकार करने के लिए आदमी स्पष्ट रूप से कहता है कि वह राक्षसों के समुद्र के रूप में नहीं होगी क्योंकि वह बच्चों के लिए जगह नहीं है। लड़की जोर देकर कहती है कि वह कप्तान से पूछेगी कि जैकब उसे पकड़ लेता है और लड़की को वैगन के अंदर रखता है और लड़की के लिए पूछता है अगले दिन अनाथालय में वापस ले जाया जाए। कप्तान कौवा और उसके साथी शाही महल में उस जानवर के सींग को छुड़ाने के लिए पहुंचे जिसे उन्होंने खत्म कर दिया था। राजा को एक बड़ा इनाम मिलने के बावजूद उनकी आखिरी यात्रा, उन्होंने लाल चमक को खत्म करने के लिए मुख्य खोज को पूरा नहीं किया। राजा शाही बेड़े के नए विशाल जहाज को दिखाता है जिसे सम्राट रैडर कहा जाता है। नौसेना शिकार के लिए नई जिम्मेदार होगी। कप्तान की सेवाओं के साथ वितरण कौवा स्पष्ट रूप से यह कहते हुए गुस्से में है कि उस जहाज के हथियार नौसेना में बेकार थे, आप सामान्य थे। स्थिति तनावपूर्ण होने लगती है, लेकिन जैकब मूड में आता है और जहाजों के बीच एक चुनौती का प्रस्ताव करता है।
अपरिहार्य और सम्राट राइडर के बीच शिकार के लिए एक दौड़ जो हार जाता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। राजा प्रतियोगिता को स्वीकार करता है और इसलिए वे फिर से निकल पड़े जीव की तलाश में समुद्र के लिए। जेकब का मानना कि पड़ने के लिए एक बहुत मोटी खाल होनी चाहिए और इसलिए उन्हें इसे नष्ट करने के लिए तीरों के बजाय फायर बॉम्ब और लंबे भाले का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। कप्तान ने चालक दल को चेतावनी दी कि वे ड्रैग से पहले कभी भी पानी में प्रवेश नहीं करेंगे और देखें कि खतरे मानव समझ से परे हैं। जानकारी के साथ स्पष्ट है कि हर कोई पीने का फैसला करता है। प्रतियात्रा की शुरुआत का जश्न मनाए, लेकिन जब जेकब ने उसे उठाया तो एक बैरल में कुछ गड़बड़ थी। वह मैसी को अंदर पाता है। वह यात्रा पर जाने के लिए घुसपैठ करती है। लड़की हमेशा उत्साहित रहती है और कप्तान कौवे की पूरी कहानी जानती है, जो इतनी कम उम्र में उसकी बहादुरी से प्रभावित आदमी को छोड़ देती है। इसलिए कौवा सारा से लड़की को समायोजित करने के लिए कहता है। अपरिहार्य महिला के चालक दल के सदस्य अपने बचाव के लिए लड़की को हाथ और चाकू थमाते हैं और कहते हैं कि उसे पूर्ण आज्ञाकारिता होनी चाहिए या वह आदेशों का पालन न करने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह पहले से ही जहाज के शुरू में अंधेरा हो रहा था। यह खतरनाक ड्रैग में प्रवेश है और अधिक फ्लेयर्स या फेंके गए हैं ताकि वे प्राणी को आकर्षित कर सके। इस बीच मैसी अपने नए ब्लेड के बारे में उत्साहित रहती है ताकि वे पढ़ सके उसे। हरा उपतान उसे तुरंत सोने के लिए जाने का आदेश देता है। आदमी जानता है कि लड़की के पास एक ही उपहार है। जय एक बच्चे के रूप में एक बहादुर शिकारी की वृत्ति अचानक देख हिलना शुरू हो जाती है। यह वह प्राणी था जो हर किसी के पास युद्ध के हाकुम की तैयारी शुरू कर देता है या हाथ में होता है। जब पक्षी उड़ते हुए आते हैं तो हमला आता है। जेकब फायर बॉम्ब वितरित करता है। पड़ा है जहाज के पास आकर कूद गया तो उस पर फायर करती है, लेकिन प्राणी अभी भी आरोप लगाता है कि वह जहाज के पास हाकुम या रस्सियों से जुड़ा हुआ लॉन्च नहीं है। और बिक्री खुलने के बावजूद राक्षस पूरी गति से जहाज को खींचना शुरू कर देता है। राक्षस उन्हें बुद्धिमान के रूप में पढ़ने को रोकने के बिना चारों ओर खींचना जारी रखता है और अपनी पहुंच बनाने पर स्पिन करना शुरू कर देता है। पानी में एक भंवर पूरे चालक दल को असंतुलित करते हुए जेकब ने कप्तान को चेतावनी दी कि नाव उसमें नहीं टिकेगी, उन्हें अनडॉक करना होगा राक्षस से, लेकिन कौवा पीछे नहीं हटेगा। मैसी राक्षस को करीब से देखता है और सभी नाविक खतरे में है और वह अपना चाकू लेती है और जहाज को मुक्त करने के लिए रस्सियों को काटना शुरू कर देती है, लेकिन कप्तान चिल्लाता है कि अगर वह ऐसा करती है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। सजा के रूप में जेकब उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे एहसास होता है लड़की सही थी और चलो यह काम खत्म करते हैं। जब रस्सियां जहाज को तोड़ देती हैं तो वह सामान्य हो जाती है इसके अलावा, लेकिन जेकब और मैसी को पानी में फेंक दिया जाता है और वे लाल रंग के झोंके के साथ आमने सामने आते हैं जो समुद्र के तल में बस जाते हैं और दोनों एक छोटी नाव में चढ़ने और चढ़ने का प्रबंधन करते हैं। जबकि कप्तान जेकब को बंदूक से धमकाता है, छोटे व्यापारी को सौंप दे। राक्षस प्रकट होता है उनके नीचे से और राक्षस जेकब के अंदर एक बार सिर्फ एक काटने में नाव को खा जाता है। जैसे यह एक दीपक है जिसे वे महसूस करते हैं कि वे लाल मुंह में हैं। आदमी फैसला करता है कि उसे राक्षसों के इंटीरियर का पता लगाने की जरूरत है। वह अपने और मैसी के बीच एक रस्सी बांधता है और जीवों की आंतरिक दीवारों को अपने भले से स्केल करना शुरू कर देता है और फिर उसे पता चलता है कि उसके पास है के माध्यम से राक्षसों के नथुने तक पहुंचे। उन्हें समुद्र की विशालता को देखने के लिए नाविकों द्वारा पढ़ा गया नोटिस सामने आया है। पानी में और एक द्वीप के पास आ रहा है। वह कहता है कि यह जानवर को खत्म करने का समय होगा, लेकिन जब वह मैसी की रस्सी को खोलने के लिए जाता है तो वह भाले को जानवरों की अंदर की दीवारों पर रखता है। जानता है कि कौन उसे हिंसक रूप से छींकता है और जेकब को आदमी को फेंक देता है। रस्सी से बंधा हुआ है और एक तरह का विचित्र बंदी है। वह तब तक कूदता है जब तक वह एक नारियल के पेड़ पर लाल रंग के साथ आमने सामने नहीं होता है। मिस्टर ने नोटिस किया कि उसकी नाक पर अभी भी एक रस्सी है और लड़की को दूर ले जाती है और मैसी तब तक झूलती है जब तक कि वह सिर्फ एक पैर से राक्षसों के दांतों में नहीं फंसती है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से पड़ा हुआ ब्लस्टर शांत है और इस तथ्य के अलावा और कुछ नहीं है कि जेकब ने खुद को फेंक दिया रस्सी और छेदने जा रहा था राक्षस में, लेकिन मैसी ने कुछ बेवकूफी करने से पहले अपनी रस्सी काट कर उसे रोक दिया। जेकब नहीं करेगा, छोड़ो। वह एक और हमले के लिए अपने भले की ओर भागता है। पड़ा समुद्र तट पर एक क्रू सुनामी बनाने के लिए अपने फ्लिपर का उपयोग करता है, जो जेकब को कोई कार्रवाई करने से रोकता है क्योंकि वह नारियल के पेड़ पर है। राक्षस बस फैसला करता है कि लड़ाई उबाऊ थी और छोड़ देता है। दोस्तों की जोड़ी अच्छी लगती है चचा। आखिरकार राक्षस को नष्ट करने पर हर एक की स्थिति है, लेकिन वे यहाँ हैं। आप जंगल से आने वाले जीवों के विचित्र शोर और निर्णय लेते हैं कि वे कुछ घंटों बाद आश्रय लेना बेहतर समझते हैं। जब जेकब एक विशाल घोंघे के खोल में भारी बारिश में आ रहा है, उन्होंने पाया कि आदमी को खाने के लिए कुछ फल मिला और एक बार फिर वे अंत में बहस करना। मैसी को यकीन नहीं है कि अगर वह मार रहा है राक्षस सही है। आखिरकार वह उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन जेकब बदलने वाला नहीं है। माइंड इस बीच अपरिहार्य में कप्तान यह मानते हुए क्रोधित हो रहा है कि राक्षस सारा द्वारा जेकब को मार दिया गया था और दिखाता है कि जहाज डूब रहा है। पानी में घुसना बंद नहीं होता है। पूरे कप्तान कौवा का एक निर्णय होता है जो शिकारी कोड के खिलाफ जाता है और छोड़ देता है हर कोई संकट में। वह कहता है कि वह उसे खोजने जा रहा है, जो अगली सुबह मैसी एक छोटे से जागता है नीला प्राणी कैंपसाइट में कुछ फल चुरा रहा है। लड़की धीरे से संपर्क करने की कोशिश करती है,
लेकिन जानवर भाग जाता है और तब तक छिपने की कोशिश करता है जब तक कि वह उसके पास नहीं पहुंचती और उसे एक दावत देने का प्रबंधन करती है। लेकिन जब वह उसे उठाती है तो वह किसी ऐसी चीज पर कदम रखती है जो एक जैसा दिखता है अंडा। मैसिकई के बीच में था दबे हुए अंडे। जेकब लड़की को अपने हाथों में राक्षस के साथ देखता है और बेहद नाराज हो जाता है। अंडे के बीच से गुजरते हुए वह नीले जानवर को दूर भगाता है और मैसी को पकड़ता है, लेकिन रास्ते में वह संतुलित हो जाता है और कई अंडों पर कदम रखते हुए यह सब टूटने लगता है। बच्चे राक्षस बिना रुके चिल्लाने लगते हैं, यहाँ तक भागने की कोशिश करने के लिए भी। समुद्र तट लेकिन विशाल से घिरा हुआ है। जीवों की भीड़ जो हानिरहित होते हुए भी विशाल माता को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोनों जल्दी से सेलबोट को पानी में धकेलते हैं और मैसी विशाल माँ पर आखिरी क्रेटर फेंकती है और प्राणी उनका पीछा करना बंद कर देता है। लेकिन एक मिनट की शांति नहीं होती है। एक विचित्र विशाल केकड़ा अपने पंजों से नाव को पकड़ लेता है और उन्हें निगलने की कोशिश करता है। यह चीजों से भरा मुंह है और वह करेगा लाल झाग दिखाने और केकड़े को डराने के लिए नहीं तो सफल हुए हैं सिर्फ अपने लुक से। जेकब बेड़ा के साथ पानी में गिर जाता है, लेकिन मैसी विशाल क्रस्टेशियंस पर है वापस पड़ने वाले जानवर के साथ एक भयंकर लड़ाई में हो जाता है जो विरोधी राक्षस पर कई फेफड़े बनाता है। लेकिन केकड़ा लाल राक्षसों को पकड़ने के लिए अपने पिंसर का उपयोग करता है। हॉर्न मैसी नहीं सोचता दो बार और प्राणी शो में चलता है। उस पड़ने के साथ उसकी आंखों में से एक में सीधे कूदना मुक्त हो जाता है, लेकिन लड़का पूरी गति से पानी में फेंका जाता है और बेहोश हो जाता है। जेकब ने अपने हार्पून को जानवरों में से एक में फेंक दिया और पड़ना उस चीज को फेंकने का अवसर लेता है जो अपना सारा रोष दिखाते हुए नाविक लड़की के लिए बेताब है। लेकिन वह सतह पर दिखाई देती है के साथ छोटा नीला जीव सभी सुरक्षित। अब उन्हें डूबती नाव की समस्या का समाधान करना होगा और इतना आलसी कारण पड़े और फलों और नीले बग का उपयोग करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें घर वापस आने के लिए मदद की जरूरत है। और सभी के आश्चर्य के लिए राक्षस वास्तव में समझता है और नाव को अपने सिर पर उठाता है और उन्हें सुरक्षित रूप से खुले समुद्र की ओर ले जाता है। अब जेकब किसी तरह समझाने की कोशिश करता है पढ़ने के लिए किस दिशा में जाना है, लेकिन राक्षस को कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैसी भी रस्सी पर लटक जाती है और विरोध करती है और वह अपनी बाहों के साथ अपने आंदोलन को ओढ़ रही है, बताती है कि उसे कहां जाना है और इस तरह उसका मार्गदर्शन करने का एक तरीका बनाता है। उसी समय कप्तान कौवा एक द्वीप पर पहुंचा जिसे सभी नाविकों से डरते थे, एक अंधेरी जगह जहां वह एक भयानक जादूगर से मिलता है। क्योंकि नाम के ग्वेन बेहतर हो, विचित्र बूढ़ी औरत कौवे को एक शेड में ले जाती है। उसे उसकी नई घातक रचना दिखाओ भगवान का हाथ, लेकिन लागत इसे प्राप्त करना वह सब कुछ छोड़ रहा है जो उसने अपने जीवन में अभी भी पढ़ा था। जैक अपने भले के साथ कुछ मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छोटे लक्ष्यों के लिए उसका लक्ष्य भयानक है। फिर प्राणी पानी को छोड़कर पानी में भंवर बनाकर उसकी मदद करता है। मछली अपने में कूद सहित हलकों में तैर रही है। हाथों ने इतनी मछलियां मिली कि नीला राक्षस इधर उधर रेंग रहा था क्योंकि यह इतना मोटा जूरी था। रात में एक तेज तूफान आता है और बिजली के निर्वहन में विशाल तरंगों की हिंसा से खुद को बचाने के लिए वे पड़ने के नथुने में शरण लेते हैं जो देखने के नीचे तक उतरते हैं। शानदार जीवों के बावजूद वे नीचे देखने में सक्षम हैं। धब्बे राक्षस कंकाल और जहाज के मलबे, और यह महसूस करता है कि सदियों से उस युद्ध ने केवल दोनों आहों पर विनाश किया था। अनिवार्य रूप से नाविकों को ब्लड मून का डर था क्योंकि यह एक संकेत था कि जो उन्हें अब से कप्तान पर देख रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि एक विशाल शो आ रहा है जिसका अर्थ है कि पढ़ना अंत में आ रहा है। जेकब और मैसी रनपेपर द्वीप पर पहुंचे, लेकिन लड़की यह जानकर दुखी होती है नाविक उसे वापस अनाथालय में ले जाएगा क्योंकि उनके पास केवल एक दूसरे के साथ अब लाल रंग की दोस्ती हो गई है। अपने जीवन को बदल दें, लेकिन वह इसे जाने देती है क्योंकि जेकब समुद्र तट पर पहुंचने के बाद समझ नहीं पाता है कि लड़का लाल विशाल को धन्यवाद देता है और अजीब तरह से यह कहने की कोशिश करता है कि तब से वह कभी भी महासागरों में राक्षसों का शिकार नहीं करेगा, जबकि वे अभी भी कह रहे थे। अलविदा रोटी की गंध आ रही है। त्रे और पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हैं और वहां से वे सभी जहाज को परेड या शाही नौसेना में देखते हैं। जेकब राक्षस को हमला न करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पढ़ता है कि एक नाविक अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है तो वह गुस्से में चला जाता है और परेड में सेना पर आरोप लगाता है या उस प्राणी पर गोलियां चलाता है जिसके प्रभाव से मैसी समाप्त हो जाती है। पठन विस्फोट न केवल छोटी नावों को उलट देता है बल्कि परेड में या आधे में महान को विभाजित करता है। और जैसे वह खाने वाली थी नौसेना जनरल वह जेकब द्वारा गर्दन में दिए गए एक चेतावनी शॉट को लेती है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब सभी राक्षस फर्श पर बेहोश हो जाते हैं और भी अधिक उग्र हो जाते हैं। कुछ दूरियों में आग लग जाती है और लाल धब्बे कप्तान क्रूज जहाज आ रहे हैं। राक्षस के रूप में नाविक पानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं जो एक विशेष बिंदु के साथ घातक हापुन है। और जैसे ही कुछ फीट दूर कौवा तंत्र को ट्रिगर करता है और रॉकेट हापुन को प्राणी पक्ष में पटक देता है। राक्षस एक भयानक क्षति लेता है और अपरिहार्य कप्तान कौवा के सामने पूरी तरह से स्तब्ध और गतिहीन हो जाता है। कहते हैं कि वह ले जाएगा राज्य के लिए अभी भी जीवित है और इसलिए नाविकों ने उसे रस्सियों के एक विशाल जाल में पकड़ लिया है। चेतावनी देता है कि एक नाव आ रही है और जब क्रूर उसके स्पाई ग्लास को देखता है तो वह देखता है कि जेकब और मैसी अभी भी जीवित हैं। लड़की जागती है और देखती है कि कप्तान जेकब को यह कहते हुए व्याख्यान दे रहा है कि उसका व्यवहार अस्वीकार्य है।
वे एक राक्षस मेसी के साथ संघर्ष विराम की घोषणा नहीं कर सकते। अचानक पकड़ लेता है उसका चाकू और कप्तान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेकब द्वारा वापस पकड़ लिया जाता है। वह उसे वापस अंदर डालता है। सोने के लिए बिस्तर और उसके साथ पीने के लिए कौवे के कमरे में जाता है। मेसी रात के दौरान सारा से मिलने जाती है और उसे पढ़ने के लिए लेगो की मदद करने के लिए कहती है। यह उचित नहीं है कि वे उसके साथ क्या कर रहे हैं। महिला कहती है कि वह जानती है कि यह सही नहीं है और इसके बारे में उतना ही विचारशील है, लेकिन अभी कुछ भी करने का फैसला नहीं करता है। अपरिहार्य दृष्टिकोण किंगडम मेसी आपके कमरे से बाहर निकलने की सख्त कोशिश कर रहा है और एक स्पष्टीकृत प्राप्त कर रहा है। क्या आगंतुक नीला राक्षस पूरे जहाज पर चढ़ जाता है और उसे देखने की खुशी के बावजूद उसके बेडरूम की खिड़की को काटता है। उसे बर्बाद करने का समय नहीं था। वह राक्षसों के बारे में विभिन्न कहानी की किताबों को देखती है और देखती है कि उनके पास रॉयल्टी का एक ही प्रतीक है, जो अर्थात स्वयं राजा ने झूठ बनाया कि जीव खतरनाक थे। लड़की उसकी चीजों को पकड़ लेती है और थकने वाली रस्सियों को पार करना शुरू कर देती है। अपने चाकू से पड़े वह रस्सियों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वह हमेशा के लिए पूरे राज्य को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा होता है, जो कि अद्भुत पढ़ने पर कब्जा कर लिया जाता है। राजा ने घोषणा की कि वे प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं और कौवा पढ़ने पर चलते हुए यह कहते हुए डींग मारने लगता है कि उसने साबित कर दिया कि शिकारी थे। केवल वही इस उपलब्धि में सक्षम है जब कप्तान अपने भाले को छुरा घोंपने और लाल धमाका खत्म करने जा रहा है। जेकब ने उसे बाधित किया और उसे अपने भले को सौंपने के लिए कहा। कौवा कहता है कि वह आदमी उसके लिए एक अपमान है और उसका सामना करने के लिए अपनी तलवार खींचता है। पढ़ने पर एक भयंकर लड़ाई में कप्तान टकराव का फायदा उठाता है और अब जेकब को पानी में फेंक देता है। पढ़ने का अंत होगा, लेकिन सारा अंदर दिखाई देती है मेसी के सामने और गाने के सिर्फ एक स्वाइप के साथ रस्सी काटने में उसकी मदद करने का फैसला करता है। बंद टूट जाते हैं और पढ़ना मुफ्त है, लेकिन जैसा कि वह अभी भी जहर के प्रभाव में है, वदन रह जाती है और पोत और महल के हिस्से पर गिर जाती है, क्योंकि नौसेना के बेड़े ने हमले के लिए तोपों की स्थिति पड़ी है। फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन केवल एक बार फिर से ढहने का प्रबंधन करता है। दूरी वह देखती है कि कप्तान कुछ मूर्तियों के हाथों से भाला लेने के लिए दौड़ रहा है। वह पूरी गति से उस पर दौड़ता है और एक घातक काटने के लिए गुस्से में खड़ा होता है, लेकिन कहीं से भी रुक जाता है। यह मेसी था जो कप्तान के सामने कदम रखता था। जेकब भी कौवे के डर को लेता है और इसे राक्षस शिकारी के प्रतीक में तोड़ देता है। राजा और पूरे के अच्छे के लिए खत्म जनसंख्या को इस विश्वास में पंगु बना दिया गया है कि यह ऊपर जाना संभव हो सकता है। और रेड्सहेल और मेसी पूरी आबादी को बताता है कि राज्य द्वारा लिखी गई किताबें जहां सहयोगी जानवरों ने किसानों पर हमला नहीं किया, वे सिर्फ राजाओं द्वारा आविष्कार की गई कहानियां थी, जिन्होंने पीढ़ियों से सभी को राक्षसों से नफरत करना सिखाया और इसलिए इस युद्ध को राजा और रानी बनाया गया। पर गुस्से में हनछोटी लड़की की हिम्मत और जनरल को फिर से तोपों से फायर करने का आदेश, लेकिन आबादी चिल्लाती है कि वे हो सकते हैं। लीड रीड गो जनरल ने अपनी तलवार को हटाने का फैसला किया और कहा कि वह यह समझना चाहता है कि यह युद्ध सम्राटों के आदेशों की अवज्ञा करके क्यों शुरू हुआ, और इसलिए जेकब और मेसी सिर के शीर्ष पर क्षितिज की ओर बढ़ते हुए अब तक के महान रीड ब्लस्टर को पढ़ते हैं। एक में पिता और पुत्री के रूप में एक साथ रहते हैं। अलग दुनिया जहां अब समुद्री जीवों का शिकार नहीं है, और आप क्या आप में शिकारियों के साथ यात्रा शुरू करने और समुद्र के महान राक्षसों का सामना करने का साहस है, तो आपने इस फिल्म के बारे में क्या सोचा।